फाइनली मैं निकल चुका हूँ गाड़ी लेके। आज जो है मेरा पहला फर्स्ट मोटो व्लॉग जो है मैं शूट करूँगा। एक एक्शन डीजाई कैमरा जो मैं ख़रीदा था, एक्शन कैमरा जिसको बोलते हैं, डीजाई एक्शन 3, तो आज जो है उसका टेस्टिंग भी हो जाएगी और मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस जो है मेरे को मिल जाएगा। होपफुली ये जो वीडियो है अच्छा जाएगा मेरे लिए और ट्रैवल जो है ठीक ठाक रहेगा। एक साल के बाद ड्राइविंग फिर से कर रहा हूँ, होपफुली मैं सेफ रहूँगा, ज़्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चलाता हूँ। बताना कमेंट करके कि ये जो वीडियो है मेरा पहला मोटो व्लॉग कैसा रहा, कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना। लाइक करना वीडियो को और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। सी यू गाइस इन ए मिनट, तब तक के लिए आप ये गाँव का व्यू जो है, नज़ारा जो है, आप एंजॉय करो। भाई यहाँ पे रास्ता इतना ख़राब है गांव में, हर जगह पे देखो गड्ढा है, रास्ता एकदम कचरा है। गांव का रास्ता है, ये लोग हमेशा बना देते हैं फिर एक साल के बाद ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे जो पॉलिटिकल लोग जितना होते हैं, पैसे खाने का तो वो आदत ही है और कोई किसी को बोल नहीं सकता, गांव वाले कंप्लेन नहीं कर सकते। मेरा शू पहन के आ गया, गलती कर दिया मैंने, और हर जगह पे स्लो करना पड़ता है क्योंकि पानी जम गया है रास्ते में। और बाकी एक नया वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं जा रहा हूँ अंकल के घर, जो कि करीब करीब 30 किलोमीटर्स मेरे घर से दूर में है। स्कूटी मेरा जान था, जान है और हमेशा रहेगा। मेरे को बाइक चलाना नहीं आता है बेसिकली, स्कूटी में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि आराम मिलता है पैरों को और बस हाथ को यूज़ करना पड़ता है और वो भी उतना है नहीं, तो आराम से बैठो और चलते बनो। ये देखो कितना बड़ा गड्ढा है अभी। ये है एक टेंपल यहाँ का, जो कि मैं जब बचपन में स्कूल में कंपटीशंस वगैरह होता था तो मेरा क्या होता था, मेरा स्कूल बहुत छोटा था, वहाँ पे प्लेग्राउंड्स नहीं थे, तो ये जो सामने देख रहे हो प्लेग्राउंड, ये कितना बड़ा प्लेग्राउंड है, तो ये प्लेग्राउंड में हम लोग खेलने आते थे और कबड्डी, दौड़ने का कंपटीशन, हाई जंप, लॉन्ग जंप। ये देखो भाई कितना बड़ा गड्ढा है यहाँ पे, ये देखो गड्ढे का साइज देखो, ये ऐसे गड्ढा है यहाँ पर, ये देखो इस साइड में गड्ढा है। रोड बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है हर जगह पे। पीछे अगर मैं दिखाऊँ, पीछे देखो, ये था हमारा जो फील्ड जहाँ पे हम खेला करते थे, ये जो टेंपल में बताया, बहुत बड़ी फील्ड है, मतलब इतना बड़ी फील्ड नहीं है, गाँव के हिसाब से फील्ड काफ़ी ठीक ठाक है।
मेरे हाथ से ये कैमरा गिर गया मेरे चेस्ट से, चेस्ट माउंट से। तो मुझे लगता है ये अटैचमेंट जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, 3-4 हज़ार का है ये जो मैग्नेटिक माउंट। और ये मेरा पहला मोटो व्लॉगिंग है तो शायद ये अच्छा जाएगा, और ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ, बाकी धीरे धीरे ये अपने आप होता रहेगा। और धूप बहुत है, पता नहीं चल रहा है, धूप बहुत है, देख सकते हो थोड़ा छांव भी आ रहा है। जब छांव आ रहा है ठंड लग रहा है, जब धूप में जा रहा हूँ गर्मी लग रहा है। मैं एकदम मस्त से व्लॉग करते करते जा रहा हूँ, बात करते करते कैमरा एकदम मस्त से माउंट हुआ है चेस्ट पे, कोई टेंशन नहीं है। मैं भी अच्छे से बात करते करते जा रहा हूँ। अभी पेट्रोल डाल देते हैं, गाड़ी पीछे से कोई नहीं आ रहा है, कम लगा के डालते हैं। और अभी पहुंच चुके हैं पेट्रोल स्टेशन, यहाँ पे 200 रुपये का 300 रुपये का डाल के निकलते हैं। अभी 200 रुपये का तेल डाल दिए हैं। रास्ते का हालत खराब है, अभी अभी नुआ अभी अभी नया रास्ता बनाया गया था, तो ये ऐसे हालत हो गई। अभी मैं पहुंच चुका हूं मेरे अंकल के घर के आसपास। अभी यहां से मेरे को जाना पड़ेगा थोड़ा देर, बहुत दिनों रात रे जाओ जाओ उधर कुटी। यहां से थोड़ी दूर जाने के बाद पड़ेगा अंकल की घर, और काफी शांति है इस जगह पे, हर जगह पे पानी। ओह गॉड, रास्ता यहाँ पे पूरा कचरा है, संभाल के जाना पड़ेगा।
काफ़ी स्ट्रगल के बाद अब हम निकल चुके हैं घर की तरफ, और मैक्स टू मैक्स 5-10 मिनट लगेगा, हम पहुंच जाएंगे। रास्ते में बहुत ज़्यादा क्रैक्स हैं, और अगर चक्का उसमें घुसा तो गया मैं नीचे गिर जाऊँगा, तो इधर लेफ्ट साइड में चलाना पड़ेगा, इधर नहीं तो राइट साइड में। तो अभी पूरा क्लीन रास्ता है, थोड़ा चलाते हैं स्पीड में। बहुत क्रैक्स है रास्ते पे, तो पानी अपने और ये देखो रास्ता एकदम ब्लॉक हो जाता है यहाँ पे, और कुत्ता और बिल्ली गाय भैंस सब कुछ रास्ते पे मिलेंगे। और अभी हम चलेंगे लेफ्ट साइड, जो कि हम करीब पहुँच चुके हैं। बाप रे, यहाँ पे रास्ते में पानी देख सकते हो, रास्ते में पूरा पानी है। तो हम पहुंच चुके हैं अंकल के घर फाइनली 1 साल के बाद। आई थिंक सब सो रहे होंगे, वापस आके कुंडी लगाएंगे। का गाड़ी लो है, का गाड़ी लो, मु गेट आ दिया सर, जीव गलो हो जा, रोई था जीव रो। फाइनली दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं अंकल के घर। कल इवनिंग में मैं यहां पे पहुंच चुका था, और कल ज़्यादा कुछ शूट करने के लिए मेरे को चांस नहीं मिला, क्योंकि पहली बार मैं यहां पे आया था 1 साल के बाद। तो वैसे व्लॉग में मैं फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। बट मैंने सोचा कि मैं अंकल का जो यहाँ पर जो गार्डन है मैं दिखा दूँ एक बार। ये जो है ये नारियल का पेड़ का जो पत्ते हैं, इसको सुखा के यहाँ इसमें से जो स्टिक्स निकलते हैं, ये जो स्टिक्स देख रहे हो, इसको निकाल के यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए, रास्ते में झाड़ू लगाने के लिए उसको बांध के झाड़ू लगाने का काम किया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे केले का पेड़ जो है यहाँ पे लगा के रखे अंकल ने। सब कुछ हाइब्रिड सा लग रहा है, कुछ देसी जो है यहाँ पे देसी बनाना
यहाँ पे देसी केले का पेड़ जो होता है वो बहुत लंबा होता है, और जो हाइब्रिड्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। देख सकते हो केला का पेड़ का साइज जितना है, यहाँ पे जो फल निकल के आ रहा है वो उतना साइज का, एक बहुत बड़ी साइज का केले यहाँ पे निकल के आया है। शायद सी ये कच्चा खाने के लिए इस टाइप का होता है, तीन टाइप का, एक होता है कच्चा खा सकते हैं, और एक हो सकता है कि छोटा देसी वाला जो मिलता है छोटा छोटा साइज का उसको पका के खाते हैं, और एक मिलता है लंबा वाला जिसको शायद से इंडिया में हम बोलते हैं सिंगापुर का केला जिस टाइप का जो बोलते हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी लंबा वाला होता है जो आप शॉपिंग मॉल्स वगैरह में आप देखे होंगे। और ये रहा कुछ एक छोटा सा रास्ता उस तरफ जाने के लिए, मतलब छोटा सा रास्ता है चारों तरफ इस तालाब का लाइम्स। मैं कंफ्यूज होता रहता हूँ कि लाइम और लेमन में से क्या डिफरेंस है। इंडिया में हम लोग लाइम बोलते हैं, लेमन भी बोलते हैं। ये जो है तालाब देख सकते हो कितना मस्त है, पीछे दिख रहा है, और काफ़ी ग्रीनी से ये एरिया, काफ़ी छाव है यहाँ पे देख सकते हो, मेरे ऊपर धूप ही नहीं आ रहा है, यहाँ पे बैठ के आराम कर सकते हो, और यहाँ पे ऊपर तोल के स्टार फ्रूट्स खा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। और वहाँ पे देखो वो मजदूर जो है वो काम कर रहा था, वहाँ पे क्लीन कर रहा है अपना जो टूल्स वगैरह यूज़ कर रहा था, और अपना हाथ मुँह इसमें से धो रहा है। ये जो देख रहे हो ये एक काइंड ऑफ फ्रूट है, देख सकते हो कितना बड़ा बड़ा साइज का है ये। बाकी इसका हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को आइडिया नहीं है, बट ये देख सकते हो बहुत सारे झूले पड़े हैं, बहुत मीठा ही है। मैं आज सुबह ही एक इसमें से लेके इसको काट के खाया हूँ। ये मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, ये यहाँ पे ही है, इसको अंकल ने मेंटेन करके रखे हैं, वेल मेंटेन्ड है ये, और हर चीज़ यहाँ से ऑर्गेनिक ही निकल के आता है। बाकी यहाँ पे बहुत छाँव है, मस्त लग रहा है, हवा काफ़ी कूल है, और यूके में ऑब्वियसली ये सब चीज़ें नहीं मिलेगा, ये जो गांव का वाइब है ये सब चीज़ें नहीं आएगा, यहाँ पे साउंड वगैरह ज़्यादा नहीं आता है, गाड़ी वगैरह नहीं जाता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे पीस मेंटेन रहता है। फाइनली जो है मैं नाना जी और नानी जी घर जा रहे हैं, मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, उनका जो गाड़ी है पीछे आ रही है। वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नया एक ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए सी यू गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल एंड करियर, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।